एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड साक्षी धंजल और मैं हूँ आज उदयपुर में लेक एंड शोर के साथ। सो जहाँ हम रुके हैं ये है वो प्रॉपर्टी और यहाँ पे ये वाला मेरा रूम है। सो रूम का टूर कल होगा, अभी हम जा रहे हैं मार्केट एरिया की तरफ। एंड अगर इस जगह आप आ रहे हो तो सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या है, इनकी इन हाउस पार्किंग है और गाड़ी थोड़ी घूम फिर कर आएगी जब तक यहाँ पे काम नहीं हो जाता। सो गाइस, जैसे जैसे आप आगे चलते जाओगे स्ट्रीट पे तो आपको कुछ इस तरह के नज़ारे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे लोकल बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हो रखी हैं कुछ इस तरह की, एंड मतलब वॉल में चारों तरफ है। एंड अगर आप देखोगे वॉल्स के यहाँ पे आपको यहाँ का कल्चर देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा। आई वोंट से लेक बहुत खूबसूरत है बट यहाँ की स्ट्रीट वाइब्स ही बहुत अलग है। सो इस जगह कहा जाता है घनघोर घाट और बेसिकली यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा वेडिंग शूट्स मतलब प्री वेडिंग शूट्स एंड ऑल के लिए आते हैं। दिस वाज एक्चुअली नाइस यार। So guys, मैं कहीं वहाँ रुके हूँ लेक शोर पे। So this is day 2 in उदयपुर and I'm gonna explore today is सिटी पैलेस। सिटी पैलेस मेरे लेक शोर जहाँ मैं रुकी हूँ यहाँ से अराउंड 10 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है। मैं पहले स्कूटी हायर करने वाली थी विच कॉस्ट यू अराउंड उदयपुर में 250 से 300 एंड यहाँ पे बहुत सारी जगह स्कूटी मिल जाती है, बाइक्स मिल जाती है, बट आई you know decided to walk rather than taking scooty. So let's just go to city palace. Abhi 3 baj rahe hain and we will start walking. Got the map, let's go. Aur ye hum pahunchte hain city palace 10 minute ke andar andar. So guys, this is the entry ticket and finally got it for 100 rupees as a student discount because I'm studying astrology and I'm so excited to explore this place again. सो अगर आप लोगों को पता नहीं है ये महल राजा का महल है एंड मतलब रानी का भी महल है यहाँ पे, बट अभी भी कहते हैं कि जो उदयपुर के राजा हैं वो यहीं रहते हैं अंदर। एंड पता है इनकी इसकी आकृति बहुत खूबसूरत है, आपने महल बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा, अंदर जाके बताऊँगी पर तो बने रहना। सो गाइस, सामने जो है ना लाइटनिंग शो होता है अराउंड 5:36 o'clock एंड उसकी भी एक टिकट है, आई एम नॉट श्योर, आई डोंट रिमेम्बर, आई हैव टू चेक। और अगर आप बिना स्टूडेंट आईडी कार्ड के आ रहे हैं तो 300 रुपये पर बंदा इसकी टिकट है। और ये हम एंटर करते हुए मतलब ये कवच है, ओके सो ये हम एंटर करते हुए जहाँ पे मतलब जो लोग युद्ध के टाइम पे कवच तलवारें यूज़ करते थे ये सारा उसकी गैलरी है। सो आई वॉज हैविंग नो आइडिया कि यहाँ पे गैलरी भी है, इतनी सही थी। अगर आप यहाँ आ चुके हो तो मुझे कमेंट करके बताओ, दिस लुक्स एक्चुअली नाइस। माई गुडनेस, लुक एट दिस वन गाइस। आपको कौन सी चाहिए? 19, 20, 21, 22, 27, 28, 30 ये सारे नंबर्स हैं, ये मेरे पास है पर मैंने किसका मर्डर नहीं किया आज तक। यहाँ पे सबसे मुझे लग रहा है कितने भारी होंगे इतने टाइम पे, मतलब अगर ये ओरिजिनल है तो ये भारी होंगे ऑब्वियस है। लुक एट द राइफल्स, इतनी सारी राइफल्स हैं, किसका मर्डर करना है हम लोगों ने। सो ये एंटर करते हुए हम राजा के महल महाराणा प्रताप सिंह, और अब तो ऑडियोस भी स्टार्ट हो गई है जहाँ पे आप यहाँ की हिस्ट्री के बारे में सुन सकते हो। जिस तरह आप महल एंटर करते जाओगे और सुंदर होता जाएगा। I am in love with this place. So ये enter करते हुए हम दूसरे zone में, कहते हैं यहाँ पे पानी होता था पहले और ये मुझे लगता है ये स्नान ग्रह ही रहा होगा उस time का, जहाँ तक ये feel तो ये स्नान ग्रह वाली ही दे रहा है but I'm not इतना sure। और उसके अलावा ये वाला जगह तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। सामने अगर आप देखोगे, मैं अगर अंदर गई तो वहाँ पे महाराणा प्रताप सिंह जी की फ़ोटो लगाई, मैंने एक तरह का वो बनाया हुआ आकार फ़ोटो के थ्रू
लेट्स जस्ट टेक सम ऑफ द फ्यू शॉट्स। उस जगह पे आपको पुराना हुक्का मिल जाएगा देखने को। बट ये संस्कृत है क्योंकि ओम लिखा हुआ है, ओम निवास करी हम मैटर संस्कृत। और ये हमारे जमाने का पंखा था। हम एंटर करते हुए अमर महल जो कि बना है कुछ 1597 से लेके 1620 में। मैं इतनी पुरानी नहीं हूँ। ये पक्का नींबू वाली मशीन है अंदर बर्तन है बहुत सारे। मुझे नहीं पता इस नम जगह का नाम शरबती विलास क्यों है, और यहाँ पे कुछ पुरानी पिक्चर्स हैं ब्रिज विलास जो कि आई गेस 15-16 सेंचुरी से चलती आ रही है। सो गाइस बाहर निकलते हुए आप कुछ देख सकते हैं, आर्ट गैलरीज। जो कि यहाँ पे पेंट भी कर रखी है वाटर कलर से सारी फोटोग्राफ्स के साथ साथ। सो ये कुछ यहाँ के करंट राजाओं की फ़ोटो। फाइनली ये प्रॉ बोट, और बोट कॉस्ट करती है 800, क्योंकि ये वाली बोट इसलिए 20 रुपीज़ वाली बोट है जो आपको थोड़ा सा घुमाती है जंगल के आसपास। गाइस मैं भी कहीं ऐसी बोट पर ट्रैवल करना चाहती हूँ यार। ये है सिटी पैलेस, एंड सिटी पैलेस का जो ये वाला पोर्शन है यहाँ महाराजा रहते हैं। एंड हमारी बोट हो चुकी है स्टार्ट। अभी हम पहुँचते हुए जग मंदिर जो कि यहाँ का बहुत 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 ही खूबसूरत स्ट्रेस में से एक है। और ये एंटर करते हुए हम जग मंदिर। जग मंदिर वॉज बिल्ड इन 17th century, और यहाँ पे शूट हुई थी जेम्स बॉन्ड की मूवी ऑक्टोपसी। और अगर आपने वो मूवी देखी है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ। वेल इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस इतना पुराना पैलेस जो कि कहीं बिल्डअप हुआ था 15th century के आसपास। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।